नाजरीन आदाब, आज गो गोजरी प्रोग्राम ले गया, डॉक्टर जावेद राही थारी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह जे तम जाने कि अपना इस प्रोग्राम में आम इन तैड़े DDC में जरा लोग चुन के आए हैं उन्होंने गलबात कर रहे हैं, उन्होंने एक खास ना है शाहनवाज साहब को कि शाहनवाज चौधरी साहब जिहड़ा कि DDC सुनकोट ए तो चुन के आए हैं और अज हमारा स्टूडियो में तशरीफ रखे हैं, नौजवान लीडर हैं और बहुत सारी इन्होंने नाल तुकात भी वाबस्ता हैं। और अज का इंटरव्यू में सब तो पहला हूँ थारो इस्तकबाल करूँ जी, बहुत शुक्रिया ना। मतलब थोड़ा लेट हो गया आम इंटरव्यू लेने में, इस तो पहला थारा बहुत सारा इंटरव्यू चल गए हैं, तो जी गल उन्होंने कही गई है उन्होंने रिपीट नहीं कर सा, थोड़ा बहुत कोशिश करांगा जी। तो शुरू करा जी, के मंत्र तुमने पढ़ियो कि भाई एक लिगेसी जी के कई मतलब डिकेड्स तू जी सुनकोट के बीच मौजूद थी, उन्होंने एक खास पिलर जरा कि फार्मर MLA हैं, हमारा खास दोस्त हैं अकरम साहब, उन्होंने तुमने हरा दी, तो इसमें के मंत्र थो सारे को ले? पहले तो थारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इस लाइक समझे कि आज तुमने एक खास बातचीत वास्ते बुलायो। देखो बेसिकली लोगों ने देखे लगे कि शायद को बड़ो कॉम्प्लिकेटेड मंत्र है वो, क्योंकि वैसे भी सियासत जड़ी है वो उसकी ऐसी इमेज बन गई है, ऐसा नक्शो बन गया लोगों का जन में, उस वक्त हम जिम्मेदार भी हैं कि वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा सोचा और हमारा जोड़ा मनसूबा वे सियासी मनसूबा चाहे इलेक्शन ना ले गए करो या इस तरह ओवरऑल सियासी नज़रिया ना देख लो, तो वो कोई अजीब व गरीब मनसूबा वे उसमें हम जोड़ा वो कई बार कई नेगेटिव मतलब प्लान भी बनावा और हम गलत रास्ता पर भी चला सियासत ना कि कोई इस तरीके की एक बन गए अंशु, मगर सच दसूँ तो कोई कॉम्प्लिकेटेड मंत्र नहीं है, सिंपल मंत्र है कि नीयत साफ रखो और लोगों की खिदमत करने की नीयत रखो। मतलब तुम यो कहना चाहेंगे उन्हें नीयत ठीक नहीं थी, थारी नीयत ठीक है? नीयत उनकी नीयत पर सवाल नहीं करता, लेकिन मेरी देखो दो तरीका मैं जिंदगी में आगे जान रहा, एक वे कि किसी की लाइन ना तुम कट छोड़ो, दो बंदा जा रहे हैं तो तुम उसको रस्तों काट दो और निकल जाओ, दूसरा तरीको हुआ कि तुम दूसरी तरफ देखो या तुम अपनों काम करता जाओ और अपनी लाइन लंबी खींचो, तो मेरे जिंदगी को सूद उस तरह हुआ कि अपनों काम करता जाओ अपनी लाइन लंबी खींचो, इस वास्ते हूँ किसी और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहरहाल यह है कि मैं सिंसियरिटी ना मेरी नीयत थी और मैं मेरे जो बचपन भी है वो शासन में गुजरे, मतलब इसका ऊपर गल करेंगे वो जिस टाइम कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो दोस्तों बाद कोई और लाइन पकड़ नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन नहीं इसका ऊपर हम आ जाएगा, मैं शुरू तो ही जो है वो सियासत में बचपन तो रहो और सियासत सफर में ईमानदारी नाल चाहे पार्टी में जब तक रहो ईमानदारी नाल काम कियो और जब इलेक्शन लड़ने को मौका मिले ईमानदारी नाल नीयत साफ रखे लिखे और लोगों ने जबरदस्त जल्द इसे टाइम का तुम इंतजार में था नहीं बिल्कुल, किस कोई आदमी जो सियासत में वह उसको हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जानो उसको जरूर खाब है कि अल्टीमेटली देखो सियासत में तम डेमोक्रेसी में आए तो तम लोगों के विजय तू, अगर अल्टीमेटली तुमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है अगर तम और लोग चुनगा नहीं भेजता तो फिर तम ना वो मैंने लगता कोई सियासत कंप्लीट है या वो है, तो उसमें अल्लाह शुक्र है कि मैं कोशिश की और उसमें लोगों ने जबरदस्त प्यार ना जज्बा ना मैंने चुनो शुक्र सब तो पहले अल्लाह मालिक को शुक्रगुजार हाँ, तो फिर सारा लोग जड़ा है हमारा उनको भी बहुत थारा इस बातचीत के थ्रू उन्होंने भी शुक्रिया अदा करूँ। तुम नहीं समझता कि एंटी इनकम्बेंसी वैगो तो कुछ लोगों ना उन्होंने गिला होगा वे उन्हीं वजह तो मतलब उस एंटी इनकम्बेंसी वजह तो भी आ रहा और नतीजतन तम जीतिया ऐसा कोई है? नहीं देखो एंटी इनकम्बेंसी भी हो सके मगर एंटी इनकम्बेंसी ता ही वहगी अगर कुछ नहीं हुए हो, अगर तुम्हें कुछ की होगा वो तो फिर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अब तुम पूरा हिंदुस्तान का इलेक्शन जा देख लियो कहीं जगह किसी भी छोटा इलेक्शन तो ले बड़ा लेवल तक एंटी इनकम्बेंसी वह है मगर कहीं जगह एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, जित अच्छो काम हुए हो वह वो तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं मैटर करती। जित तक सुनकोट को ताल्लुक है तम भी बड़ा मतलब करीब तू जाने बड़ो पिछड़े हुए इलाकों है, वैसे जिलों पूरा मारो डिस्ट्रिक्ट पॉइंट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जोड़ो है वो वैसे ही जम्मू कश्मीर में बाकी अगर डिस्ट्रिक्ट ना कंपैरिजन की हो जाए या जम्मू या कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट ना तम कंपैरिजन करें तो किधर ना किधर मारो डिस्ट्रिक्ट जोड़ो है वो काफ़ी पिछड़े हुए, उसकी कई वजूहत हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं काम आए, उसमें पूरी रियासत की जड़ी पॉलिसी थी हमेशा सियासी तौर पर जोड़ो है वो पूछ उसको शिकार रहे हो।
लेकिन जो सुरनकोट है खास तौर पर उसमें आज भी जी है वो लोगों ना बेसिक फैसिलिटीज तो लोग महरूम है आज भी तम मैं कई इंटरव्यू हम के कहें कि पिछले 70-72 साल में कख नहीं होया जरूर हो वैगो मगर जो होना चाहिए तो वो नहीं हो आज तम 70 साल बाद मैं कई इंटरव्यूज में यह गल कही जो आज फिर रिपीट करूँ कि थारे नाल कि अगर तम आज भी सुरनकोट जाएगा तम किसी ग्राम में चले जाएगा तम पूछेगा लोगों ने जी थारी के मांग है वे कहेंगे जी हमारा यो पोल ला देता हूँ मारा को जी मारी तार है वे बूटा बने और तम पोल ला दो बिना यो थारो बहुत बड़ी मेहरबानी तम एक पोल दे देंगे वो क्या कुछ हमारा सरकार ने सब कुछ दे दिया है फिर तम पूछेंगे और क्या चाहिए तम कहेंगे जो पानी नहीं आता टूटा हुआ या तो है ही नहीं है कनेक्शन या टूटा हुआ या टैंकी नहीं है तो पानी नहीं आता बहुत दूर जाकर लेना पवेगा ये तो यह मांगे तम और पूछेंगे उसके अलावा तम कहेंगे जी हमारे को अगर डिस्पेंसरी नहीं है हमने बहुत दूर जाना पवे हमने सुरनकोट का अस्पताल तक भी अगर दंगी पर चाह गए किसी माँ बहन ना लेवे तम सुरनकोट कितना बड़ा इलाको है जी जी अगर तम 3 घंटा को सफर कर गए डंगी पर चाह गए रोड भी सब जगह नहीं।